सबसे पहले तो सभी आप मीडिया कर्मियों से मेरा सब कर जोड़ के प्रणाम है, और दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म भी देखिए, जैसे और फिल्मों के लिए मुझे प्यार दुलार दिया, आपने आशीर्वाद दिया, इस फिल्म को भी दीजिए। बहुत ही प्यारी फिल्म बन रही है, और डायरेक्टर भोजपुरी के टॉप मोस्ट वांटेड सुजीत जी हैं, तो नो डाउट ये फिल्म कैसी होगी दर्शक खुद जानते हैं, क्योंकि दर्शक जानते हैं सत्या उनका देख चुके हैं, और भोजपुरिया राजा रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, छलकत बमोर जवनिया ए राजा जैसी हिट फिल्मों को हमारे सुजीत जी ने दिया, ये भी नो डाउट हिट ही है, सुपर हिट है, और बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी के बारे में मैं आपको अभी लीक नहीं करूँगा। फिल्मों का जो एक बैकग्राउंड है, ये मेरी मतलब पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं फिल्मों में बहुत ही मतलब पारिवारिक किस्म का बन जाता हूँ। हमारे डायरेक्टर, हमारे आप जैसे मीडिया कर्मी भाई लोग और जितने टेक्नीशियन हैं, सब परिवार के जैसे दिखते हैं। और सीरियल में मैं 7 बजे गया, अपना काम किया, 8 बजे वहाँ लगता है मजदूरी कर रहा हूँ मैं, वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता। मुझे सीरियल करना उतना पसंद नहीं है, जितना पसंद मुझे भोजपुरी से है, भोजपुरी फिल्मों से अच्छा लगता है। और अंतर का मतलब ये है कि सीरियल नो डाउट एक साथ टेलीकास्ट होता है, ऑल ओवर इंडिया देखता है, हमारी भोजपुरी फिल्म कुछ जगह नहीं देखी जाती, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे मतलब भोजपुरी के ऑडियंस हैं जो कि हमको प्यार आशीर्वाद, इसी की वजह से मैं वहाँ सीरियल में पहुँचा हूँ। देखिए, करने के लिए तो भोजपुरी में एक से एक चीज़ डेली जो है, हम लोग उसमें नई नई चीज़ें ला रहा हूँ कि दर्शक को अच्छा लगे, और पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही, और कोशिश नहीं की जा रही, अब दिख भी रहा है और दर्शकों को भा भी रहा है कि अब भोजपुरी जो है, भोजपुरी केवल कहने के लिए हो गई, लेकिन अब हम लोग की फिल्म बहुत ही ब्रांड बन रही है, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि जो बॉलीवुड में नहीं है वो हमारी भोजपुरी में नहीं है, हमारी भोजपुरी में वो सारी चीज़ें हैं, हम कल्चर को दिखा रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं। अब हमारी भोजपुरी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, भोजपुरी का मतलब जो पहले था वो अब नहीं है, लेकिन अब डेवलप किया है और अच्छा लग रहा है। अब अच्छे अच्छे टेक्नीशियन आ गए हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर आ गए हैं, कलाकार आ गए हैं, तो अच्छा लग रहा है कि मतलब इन लोगों के साथ काम करके मज़ा भी आता है, और ये लोग कुछ सीखे हैं जो कि उसमें फोकस करके डालते हैं तो फिल्म में दिखता भी है। जी नो डाउट, कोई भी, मैं भी आया था, नया ही था, और कहीं ना कहीं उनके लिए विश है कि वो आएँ और अच्छे से काम करें, डिसिप्लिन में काम करें, लोगों को सम्मान दें, खुद सम्मान पाएं, अगर इज्जत देंगे तो इज्जत पाएंगे। और कलाकारी ऐसी चीज़ है कि यहाँ हमेशा डेली जो है सीखना पड़ता, मैं भी आज सीखता हूँ। देखिए, मैं एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते पहले तो उस फिल्म सिटी जो हमारे उत्तर प्रदेश में बन रही, उसके लिए ढेर सारा स्वागत है मेरी तरफ से, और ढेर सारी बधाइयां हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रहा। और कहीं ना कहीं चाहत, हम पूर्वांचल के हैं, चाहत रहती कि हमारे पूर्वांचल में ही फिल्म सिटी बने तो और बेटर बनेगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो ये जानते हैं कि फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाए और कहाँ से पैसा आएगा। उत्तर प्रदेश में अगर वो नोएडा में बना रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी टच कर रहा, राजस्थान, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ रीड करके ही योगी जी ने सोचा होगा कि यहाँ पर अच्छा रहेगा। मैं तो चाहूँगा जौनपुर बन जाए, मैं तो चाहूँगा बनारस बन जाए, बिकॉज मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, मेरे पास में रहेगा, लेकिन मेरे पास में ये भी है, उत्तर प्रदेश जहाँ भी है मैं वहाँ हूँ। मैं तो बॉम्बे में भी काम करता हूँ लेकिन उत्तर प्रदेश में आए, इसके लिए इसका दिल से स्वागत है, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया लोग हैं, जैसे श्री योगी आदित्यनाथ जी, रवि किशन भैया, तो इन लोगों को ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ भी दूँगा कि हाँ, उन्होंने फिल्म सिटी हमारे उत्तर प्रदेश में लाया।